नमस्कार दोस्तों, सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड का भूगोल। तो उत्तराखंड के भूगोल के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे और इससे संबंधित जो इसके उप विषय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का भूगोल चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पी एस सी हो, तो यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। चाहे भौतिक संरचना हो, जलतंत्र हो, ग्लेशियर हो, नदी कुंड, तो आदि जो इसके उप विषय हैं, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का भूगोल। तो उत्तराखंड के भूगोल को समझने से पहले थोड़ा भूगोल को संक्षेप में समझ लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है और यह ज्योग्राफी शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जो और ग्राफी। इसमें जो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी, और ग्राफिक का अर्थ होता है के बारे में यह वर्णन करना। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या होगा, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। तो पृथ्वी के बारे में मतलब ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि माना ये पृथ्वी है और हम यहाँ भूतल पर हैं, हम यहाँ भूतल पर हैं। तो जो ज्योग्राफी है, तो इसमें हम जो ये पृथ्वी तल है इसका, और इसके नीचे यानी पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ है, तो भूगर्भ का, और इसके ऊपर जो पर्यावरण है, तो इन सभी तीनों जो विषयों का हम अध्ययन जिसमें करते हैं वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा भूगोल। तो यह हमारा भूगोल कहलाता है। इसकी थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है, वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को प्रकट करता है। तो भूगोल क्या, वह विषय है जो जिसमें मानव तथा उससे संबंधित जो पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध हैं, तो उनको प्रकट करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब इसके बाद हम आएंगे अपने मुख्य विषय पर। तो मुख्य विषय हमारा भारत उत्तराखंड का भूगोल है। तो उत्तराखंड के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है, तो उस पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। तो इसमें हम उत्तराखंड की जो भौतिक संरचनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे, जो स्थिति विस्तार है और उसकी सीमाएँ हैं, चाहे भौगोलिक सीमा हो या प्रशासनिक सीमा हो, तो उन सभी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है तो उसमें हम इस भौतिक संरचना के बारे में ही जानेंगे। इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, नदी तंत्र, झीलें या ताल, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात, वन, वन आंदोलन और वन्य जीव, जिसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, खनिज संपदा, मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई, ये क्या है हमारे प्रमुख विषय होंगे इस सीरीज में। तो इससे संबंधित वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके बाद अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर, यानी जो उसकी भौतिक संरचना है उसके बारे में। तो पहले थोड़ा सा हम उत्तराखंड के सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड जो हमारा उत्तराखंड है या क्या है, एक हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य होने के साथ इसे क्या कहा जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और यह प्राचीन काल से ही इसे पवित्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से ऋषि मुनि और जो आदि जन है यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं, देवों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार का कुछ हमारा उत्तराखंड है, और इसका उल्लेख हमें
प्राचीन, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, तो ऋग्वेद ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो पुराण है, जिसमें आपका स्कंद पुराण प्रमुख है, जिसके दो भाग हैं, केदारखंड और मानसखंड, तो उसमें हमें उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। तो यह प्राचीन काल से ही हमारा जो उत्तराखंड है वह प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद इसके जो हमारा जो उत्तराखंड है, इसका गठन 9 नवंबर 2000 को होता है, और 9 नवंबर 2000 को गठन होने से पहले इसका काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। तो पृथक राज्य आंदोलन के लिए लोगों ने, यहाँ के जो उत्तराखंड के वासी हैं, इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। तो इसी क्रम में 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में हमारा पृथक राज्य उत्तराखंड का बिल पास किया जाता है 2000 को। तो 1 अगस्त 2000 को हमारा लोकसभा में बिल पारित होता है पृथक राज्य आंदोलन वाला। फिर 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा इसे पास किया जाता है, और उसके बाद 28 अगस्त को राष्ट्रपति K.R. नारायण द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके बाद से कानून बन जाता है और 9 नवंबर 2000 को गठन हो जाता है हमारे पृथक उत्तराखंड का। तो ये तो सामान्य परिचय हो गया उत्तराखंड का। अब इसके बाद हम उत्तराखंड के, जो हमारा आज का विषय है, भौतिक संरचना, तो सबसे पहले इसमें हम स्थिति विस्तार के बारे में समझ लेते हैं, और सबसे पहले इसे देखते हैं हम भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है, और यह भारत का, जब 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया, तो यह भारत का 27वां राज्य बनता है। भारत गणतंत्र का 27वां राज्य बनता है हमारा उत्तराखंड। और इसकी भारत में स्थिति की बात करें तो भारत में आप देख रहे होंगे इसकी स्थिति क्या है, उत्तर में है और पश्चिमी क्षेत्र में है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा उत्तराखंड। तो भारत में इसकी स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, भारत का 27वां राज्य है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल का 1.69% क्या है, हमारे उत्तराखंड में है। तो भारत का 1.69% क्या है, हमारे उत्तराखंड में है। और भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो यह 18वें नंबर पे आता है, तो इसका 18वां स्थान है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसमें इसका 20वां स्थान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर 20वां स्थान है, और राज्यों में 18वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर 1.69% कुल यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा उत्तराखंड क्या है, एक हिमालयी राज्य है। तो हिमालयी राज्यों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा उत्तराखंड स्थित है। तो जो ये भाग है भारत का, संपूर्ण ये भाग है, तो ये किस में आता है, तो ये हिमालयी क्षेत्र में आता है। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में अगर हम उत्तराखंड को देखें तो इसका कौन सा स्थान है, तो इसका 11वां स्थान है। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का 11वां स्थान है, और सबसे पहला राज्य था असम, और उत्तराखंड का है 11वां स्थान। और अगर हम पूरे हिमालय के जो राज्य हैं उसकी बात करें, उसका कुल कितना प्रतिशत भाग उत्तराखंड में है, तो इसका लगभग 10% भाग क्या है, उत्तराखंड में है, और यह तीसरे स्थान पर है। हिमालयी राज्यों की बात करें तो कौन से स्थान पर है उत्तराखंड, तो तीसरे स्थान पर है हमारा उत्तराखंड। तो सबसे बड़ा जो हिमालय राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, और तीसरा अपना हमारा उत्तराखंड है, जिसमें 10% भाग क्या है हिमालय का आता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो राज्य के संदर्भ में, तो राज्य के संदर्भ में हम जब देखते हैं तो इसको अक्षांशीय और देशांतर रूप में देखते हैं। किसी भी प्रदेश या किसी भी लोकेशन के अगर हमें स्थिति का पता करना है तो उसको हम अक्षांशीय और देशांतर में देखते हैं कि इस ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री और 2 मिनट तक क्या है इसका देशांतर विस्तार है। तो इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये
28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है, और देशांतर विस्तार क्या है, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक क्या है इसका देशांतर विस्तार है। अब इसके बाद राज्य की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो राज्य की कुल लंबाई कितनी है, तो यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में राज्य की जो कुल लंबाई है तो ये है 358 किलोमीटर। तो राज्य की कुल लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है। और राज्य की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो राज्य की कुल चौड़ाई है 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर राज्य की कुल चौड़ाई है और राज्य की लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर क्या है, राज्य की लंबाई है और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। और इसके कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड क्या है, हमारा पहाड़ी राज्य है, तो इसका जो पर्वतीय भूभाग है, पर्वतीय इसका भूभाग कितना होगा, 86.07% क्या है इसका पर्वतीय भूभाग है, यानी इसका अधिकांश भाग क्या है पर्वतीय है, और मैदानी भाग, इसका मैदानी भाग कितना है, 13.97% क्या है इसका कुल मैदानी भाग है। तो ये इसकी लंबाई हो गई 358 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 320 किलोमीटर, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर, और पर्वतीय भूभाग यहाँ पर 86.07%, और मैदानी भाग क्या है 13.97% क्या है मैदानी भाग है। और देश के संदर्भ में 1.69% क्या है देश का कुल हिस्सा, यहाँ पर राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका कुल प्रतिशत क्या है 1.69% है। अब इसके बाद जो अगला हमारा उप विषय है तो ये है राज्य की सीमाएं। तो राज्य की सीमाओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य की सीमाओं को हम तीन रूप में देखते हैं मुख्यतः, पहला भौगोलिक सीमाएं और दूसरा है राजनीतिक सीमाएं। तो इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं हमारे उत्तराखंड के अनुसार। तो इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं और राजनीतिक सीमाएं, यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या क्या हमारे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो राज्य की अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो राज्य की भौगोलिक सीमाएँ हैं, उत्तर में है हमारा हिमालय पर्वत, तो उत्तर में क्या है हमारा हिमालय पर्वत है, दक्षिण में तराई भूभाग है, और पूर्व में काली नदी हमारा भौगोलिक क्या है सीमा बनाती है, और पश्चिम में टोंस यमुना क्या है हमारी प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा का निर्माण करती हैं। तो भौगोलिक सीमा क्या हो गई, पूर्व में हो गई काली नदी, पश्चिम में हो गई टोंस और यमुना नदी, उत्तर में हो गया हमारा हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हो गया तराई भाग। और इसके बाद अगर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की बात करें तो इन दोनों साइड क्या है शिवालिक श्रेणियाँ हैं, तो ये भी क्या है हमारे भौगोलिक सीमाएं बनाती हैं। तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में क्या है शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं। अब इसके बाद इसके अंतिम बिंदु देख लेते हैं कि अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं हमारे उत्तराखंड में। इसके अंतिम बिंदुओं की बात करें तो पूर्व का जो अंतिम बिंदु है हमारे उत्तराखंड का, पूर्व में है लिपुलेख, तो लिपुलेख दर्रा क्या है पूर्व में हमारा अंतिम बिंदु है, और पश्चिम में है हमारा आसन बैराज, तो आसन बैराज यमुना नदी पर बना हुआ है, यह हमारा पश्चिमतम बिंदु है। उत्तर में बिंदु की बात करें अंतिम बिंदु की, थांगला दर्रा उत्तर में हमारा अंतिम बिंदु है, और दक्षिण में है सिरपुरा, तो दक्षिण में क्या है सिरपुरा है, ये उधम सिंह नगर में आता है। तो ये हमारे क्या है अंतिम बिंदु है, पूर्व में क्या है लिपुलेख, पश्चिम में आसन बैराज जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है, और उत्तर में है थांगला दर्रा, और दक्षिण में हमारा सिरपुरा। तो ये चारों क्या है हमारे अंतिम बिंदु हैं। अब इसके बाद आती है हमारी राजनीतिक सीमा, भौगोलिक सीमा के बाद राजनीतिक सीमा आती है। तो इसको हम तीन भागों में अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, ये हम अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड के अनुसार। तो उत्तराखंड के अध्ययन के लिए हमने इसको तीन भागों में बांटा है। तो राजनीतिक सीमाएँ, तो पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो हमारा जो पूर्वी और उत्तरी सीमा है यह क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद दूसरी राज्य सीमा,
जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, तो ये क्या है, हमारे राज्य सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा फिर जो हमारा तीसरा है जिला सीमा, तो जिला सीमा 13 जिलों की जो सीमाएं हैं, तो कौन सा जिला किस जिले से सीमा साझा करता है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इनको हम इसमें जिला जिला या आंतरिक सीमाओं में देखेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमारा जो पूर्वी और उत्तरी भाग है, पूर्वी और ये जो उत्तरी भाग है हमारा, तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो पूरब में क्या है, नेपाल है, और उत्तर में है चाइना। चाइना या तिब्बत क्या है, हमारे उत्तर में है, पूरब में है नेपाल। तो ये दोनों क्या है, उत्तर और पूरब में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। चीन के साथ बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिले क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो 3 जिले हमारे चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला जिला है उत्तरकाशी, दूसरा जिला हमारा चमोली, और तीसरा जिला है पिथौरागढ़। तो 3 जिले हमारे चीन के साथ सीमा साझा करते हैं और इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर चीन के साथ हमारी कुल सीमा है, और जिसमें हमारे 3 जिले सीमा साझा करते हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें, तो ये पूर्वी सीमा है, और पूर्वी सीमा क्या है, यहाँ पर नेपाल है। तो यहाँ पर भी 3 जो हमारे ज़िले हैं वो सीमा साझा करते हैं। पहला ज़िला है हमारा पिथौरागढ़, दूसरा है चंपावत, और तीसरा ज़िला हमारा उधम सिंह नगर। तो 3 ज़िले हमारे नेपाल से और 3 ज़िले चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 275 किलोमीटर। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 किलोमीटर है। तो 625 किलोमीटर दोनों के साथ कुल हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और यह काफ़ी संवेदनशील है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि 3 ज़िले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ, और 3 ज़िले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं चीन के साथ। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला ज़िला कौन सा है, तो ये ज़िला है हमारा पिथौरागढ़। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, पिथौरागढ़ चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो ये हो गए हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बाद हम राज्य सीमाओं की बात करें, तो राज्य सीमाओं में 2 राज्य हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, और दूसरा राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 राज्य केवल हमारे उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ से देखो क्या महत्वपूर्ण है कि एक तो हमारे उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले इनसे सीमा साझा करते हैं, और दूसरा क्या है, ये भारत के राज्य हैं। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के वह कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको दोनों प्रकार से क्या है, तैयार करने हैं कि इनके कौन से ज़िले, उत्तराखंड के भी ध्यान रखने हैं, और जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के, दोनों को आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो इसके 3 ज़िले, हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, और उत्तराखंड के 2 ज़िले इससे सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले हैं, तो पहला ज़िला हमारा उत्तरकाशी, और दूसरा ज़िला है देहरादून। तो पहला ज़िला कौन सा है, उत्तरकाशी, और दूसरा ज़िला है हमारा देहरादून। तो पहला उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून, और हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले हैं। इसमें पहला ज़िला है किन्नूर, दूसरा है शिमला, और तीसरा है सिरमौर। तो ये 3 ज़िले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये भी ध्यान रखना आपको कि कौन सा ज़िला किस ज़िले के साथ सीमा साझा कर रहा है। किन्नौर और शिमला क्या है, शिमला बीच में स्थित है। तो किन्नौर उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है, शिमला उत्तरकाशी और देहरादून दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और तीसरा सिरमौर ज़िला है या देहरादून के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिमला क्या है, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो देहरादून के साथ सिरमौर और शिमला, और उत्तरकाशी के साथ शिमला और किन्नौर क्या है, हिमाचल प्रदेश के ज़िले सीमा बनाते हैं। इसके बाद दूसरे राज्य हम उत्तर प्रदेश की बात करें,
तो उत्तर प्रदेश से हमारे उत्तराखंड के 5 जिले सीमा बनाते हैं, वह कौन कौन से हैं। पहला जिला है हमारा देहरादून, दूसरा जिला है हरिद्वार, तीसरा जिला हमारा पौड़ी है, चौथा जिला नैनीताल और पांचवा जिला है हमारा उधम सिंह नगर। तो 5 जिले यहाँ पर हमारे क्या हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और नैनीताल उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए हमारे उत्तराखंड के कि 5 जिले हमारे यूके के यूपी से सीमा साझा कर रहे हैं। और इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, वह कौन कौन से जिले हैं मैप में देख लेते हैं। तो पहला जिला है सहारनपुर। पहला जिला कौन सा है, सहारनपुर है। दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा है बिजनौर, उसके बाद मुरादाबाद, फिर उसके बाद रामपुर, फिर बरेली और पीलीभीत। बरेली और पीलीभीत, तो ये 7 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत क्या हैं, हमारे उत्तराखंड की 5 जिलों से सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले। अब यहाँ पर समझ के चलते हैं कि कौन सा जिला किस जिले के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहले सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की सीमा लगती है देहरादून से, तो सहारनपुर की सीमा देहरादून से लगती है। दूसरा जिला है मुजफ्फरनगर, तो ये हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है। तो मुजफ्फरनगर क्या है, हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है और सहारनपुर भी हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है, दोनों के साथ। इसके बाद बिजनौर की बात करें तो बिजनौर हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, तो चारों जिलों के साथ सीमा बनाता है बिजनौर। उसके बाद पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी के साथ क्या है, बिजनौर, और नैनीताल के साथ क्या है, बिजनौर। तो बिजनौर जिला पौड़ी और नैनीताल दोनों के साथ सीमा बना रहा है। इसके बाद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो उसके बाद क्या है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत क्या है, ये 5 जिले उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत और बिजनौर, तो ये 5 जिले क्या हैं, उधम सिंह नगर से सीमा साझा करते हैं। तो ये हो गई हमारी राज्य सीमाएं। अब इसके बाद तीसरा है हमारा जिला सीमा। तो जिला सीमा में हमारे उत्तराखंड के जो जिले हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या है, 2 मंडल हैं। कौन कौन से हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल में कुल कितने जिले हैं, गढ़वाल में हमारे 7 जिले हैं और कुमाऊं में हमारे क्या हैं, 6 जिले हैं। तो कुमाऊं में हमारे 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 जिले हैं, 2 मंडल हमारे कुमाऊं और गढ़वाल यहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले मंडलों की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल जहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से जिले आपस में सीमा साझा कर रहे हैं। तो गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली और पौड़ी, तो 2 जिले कुमाऊं के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अगर कुमाऊं की हम बात करें तो कुमाऊं के कौन से जिले हैं, तो कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, तो 4 जिले क्या हैं, ये गढ़वाल मंडल से सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, गढ़वाल मंडल के 2 जिले पौड़ी और चमोली और कुमाऊं मंडल के 4 जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल क्या है, 4 जिले गढ़वाल मंडल से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगर आंतरिक जिलों की हम बात करें कि वह उत्तराखंड के वह कौन कौन से जिले हैं जो किसी अन्य देश या अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, केवल उनकी सीमाएं उत्तराखंड के अन्य जिलों से सीमा साझा करती हैं, तो वो हैं हमारे 4 जिले, 2 गढ़वाल मंडल में हैं और 2 कुमाऊं में हैं। तो गढ़वाल मंडल में कौन कौन से हैं, तो टिहरी गढ़वाल, इसकी सीमाएं आप देख रहे होंगे कि केवल क्या हैं, जो अन्य जिले हैं उन्हीं के साथ लग रही हैं, ना तो किसी देश से स्पर्श कर रही हैं ना किसी राज्य से। तो
टेरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग क्या हैं? गढ़वाल मंडल के दो जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, और कुमाऊं मंडल में बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड के ये कुल चार जिले क्या हैं, इनको आंतरिक जिले कहा जाता है, यानी इनकी सीमाएं किसी बाहर से नहीं लगती हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड के आंतरिक जिले हो गए। अब इसके बाद राजधानी क्षेत्र यानी देहरादून की बात करें तो देहरादून चार जिलों से सीमा साझा करता है। पहला उत्तरकाशी, दूसरा टिहरी, तीसरा पौड़ी गढ़वाल और चौथा है हरिद्वार। तो ये चार जिले हैं जो देहरादून से सीमा बनाते हैं। इसके बाद पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो सात अन्य जिलों से सीमा बनाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पौड़ी जिला क्या है, सात अन्य जिलों से सीमा साझा करता है। वह कौन कौन से जिले हैं? तो पहला है हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा टिहरी गढ़वाल, चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा क्या है, चमोली। तो ये गढ़वाल मंडल के हैं पांच, और कुमाऊं मंडल के हैं दो, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ये क्या है, अल्मोड़ा और नैनीताल क्या है, पौड़ी से सीमा साझा करते हैं कुमाऊं मंडल में। तो गढ़वाल मंडल के पांच जिले और दो कुमाऊं मंडल के जिले हैं जो पौड़ी से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल है। और यहाँ पर एक फैक्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी एकमात्र ऐसा जिला है जो पौड़ी से सीमा साझा नहीं करता है गढ़वाल मंडल का। तो यहाँ पर देखो पांच जिले क्या हैं, सीमा साझा कर रहे हैं पौड़ी से, लेकिन उत्तरकाशी क्या है, या इसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है, आपको यह भी ध्यान रखना है। अब इसके अलावा चमोली और अल्मोड़ा क्या है, ये छः छः जिलों से सीमा साझा करते हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और चमोली। इसी प्रकार चमोली भी है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो ये छः छः जिलों से क्या है, सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको मानचित्र में देखना है कि और कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ से सीमा साझा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारा जो भौगोलिक विभाजन है तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।